हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो काफी डिमांड आ रही थी कि यार आपने राउंड शेप की वॉचेस का तो वीडियो बनाया था, स्क्वायर का नहीं बनाया। तब अपनी भाई कोशिश यही रहेगी कि हर हफ्ते आपको एक टॉप फाइव का वीडियो दे, इतनी सारी कैटेगरी से कवर करने के लिए आप सबका भी काम आसान हो जाएगा। जैसे पिछले हफ्ते हमने राउंड शेप की वॉचेस को कवर किया, तो इस बार हम स्क्वायर शेप की वॉचेस को कवर करेंगे। तो स्क्वायर शेप में कौन सी बेस्ट स्मार्ट वॉच है 3,000 से 5,000 रुपए के बीच में? मैं सरप्राइज हो गया देख के कि 4 से 5 में तो बहुत कम एमोलेड वॉचेस बची है। सब कंपनी ने अपने प्राइस ड्रास्टिकली रिड्यूस किए थे, टफ कॉम्पिटिशन हो गया, तो हम सबको बड़ा फायदा मिल रहा है कंपटीशन होने से। तो 3 से 4 में तो भरमार हो गया वॉचेस की, तो 4 से 5 को भी मैंने कवर करने की कोशिश की। चलो जो उसको कवर करते हैं ताकि आप एंड ऑफ द डे डिसाइड कर सके आपको कौन सी स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट में कौन सी फिट बैटरी है। मेन क्राइटेरिया जो है स्मार्ट वॉचेस सुनने का वो है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस नहीं तो हमारी लिस्ट में नहीं। और सबसे बड़ी बात, पूरा होमवर्क करके वीडियो को बनाया गया, ऐसा नहीं कि किसी से सुना किसी से कुछ किया। प्लस जो मैंने इन वॉचेस को यूज किया है वो एक्सपीरियंस को इसके अंदर एड किया गया है। तो अपना प्यार इस वीडियो को जरूर दें और फायदा उठाएं इस वीडियो से और अपने पैसे भी बचाएं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले हमने रखा है डीजो की वॉच डी अल्ट्रा को। तो ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ डीजो ने स्मार्ट वॉच निकाली थी। डिस्प्ले इसमें 1.78 इंच का एचडी एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है 368x448 पिक्सल के रिजोल्यूशन के साथ में। उसके अलावा इसके अंदर 2.5D कर्व्ड ग्लास देखने को मिलता है और इतना सही है, मतलब इतना रियलिस्टिक 2.5D कर्व्ड है, वाकई में नजर आता है और काफी प्रीमियम लुक आ जाती है ऐसे स्मार्ट वॉच की। उसके बाद मेटल केसिंग में आती है स्मार्ट वॉच, 22mm का स्ट्रैप है, 500 nits की ब्राइटनेस ऑफर करती है, IP68 पे आती है, वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट दिया गया है, 2 मेन्यू स्टाइल्स हैं, अलार्म इसमें आप वॉच के अंदर लगा सकते हैं जो काफी काम का फीचर है, हार्ट रेट की एक्यूरेसी काफी अच्छी है, 150 वॉट फेसेस है, 2 AOD है, 100+ स्पोर्ट्स मोड का सपोर्ट देखने को मिलता है। सबसे अच्छी बात यह कि वॉच के अंदर आपके 15 नोटिफिकेशन आते हैं, जनरली 5 ही हमें देखने को मिलते हैं काफी वॉचेस में, इसमें 15 नोटिफिकेशन एट ए टाइम आप देख सकते हो। टाइम काउंटर की एक्यूरेसी अच्छी है, बैटरी तो बहुत ही जबरदस्त है, बैटरी का ऑप्टिमाइजेशन किया इन्होंने, मतलब कॉलिंग के साथ भी 4 दिन बैटरी की आराम से चल जाती है। ड्रॉबैक इसमें भी यही है कि यार 60Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है, तो ड्रॉबैक इसलिए बन जाता है। मैंने जितने भी अभी तक 60Hz वाली वॉचेस देखी हैं उनका UI लैगी ही निकल के आता है, उसके अलावा इस स्मार्ट वॉच में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आती है फायरबोल्ट की सुपरनोवा स्मार्ट वॉच, इसका भी डिस्प्ले 1.78 इंचेस का एमोलेड है 368x448 पिक्सल के रिजोल्यूशन के साथ में। तो आप ये चीज नोट कर लो, अगर 1.78 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले आ रहा है तो रिजोल्यूशन यही आपको देखने को मिलने वाला है। इसके अंदर आपको जो है बिल्कुल एप्पल अल्ट्रा वाला डिजाइन देखने को मिल जाता है, 22mm का स्ट्रैप लगता है इसके अंदर काफी अच्छी फिनिश में, 123 स्पोर्ट्स मोड ऑफर करती है, 150 वॉट फेस है, लाइट वेट काफी है। ज्यादातर हमने जो एप्पल अल्ट्रा लुक अलाइक देखी है वो काफी हैवी होते हैं, लेकिन ये जो है काफी लाइट वेट है। उसके अलावा IP67 पे वॉच आती है, कैलकुलेटर देती है, स्प्लिट स्क्रीन का फीचर देती है, 30 सेकंड का इसमें स्क्रीन आउट टाइम देखने को मिलता है, 2 मेन्यू स्टाइल्स है, वॉइस असिस्टेंट है, 2 ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के वॉच फेसेस है, 1 बिल्ट इन गेम देखने को मिल जाती है, हार्ट रेट एंड स्टेप काउंट की एक्यूरेसी इसमें काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, कॉलिंग एक्सपीरियंस भी अच्छा है, फंक्शनल क्राउन बटन देखने को मिल जाता है। एक बात इसमें जो मुझे सही नहीं लगी है कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की विजिबिलिटी इसकी थोड़ी सी लो है, प्लस गोल्स कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज काफी अच्छी स्मार्ट वॉच है लेने के लिए। उसके बाद मैंने रखा है फायरबोल्ट की तरफ से पहली मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड स्मार्ट वॉच, जिसका नाम है फायरबोल्ट की कोबरा। इसके अंदर भी आपको सेम 1.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, रिजोल्यूशन तो आपको याद ही हो गया होगा, मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड स्मार्ट वॉच है, 123 स्पोर्ट्स मोड ऑफर करती है, 150 वॉट फेसेस हैं, कैलकुलेटर, वॉइस असिस्टेंट, 2 मिनट स्टाइल, सेम सारे फीचर जो भी हमने सुपरनोवा के डिस्कस किए इसमें देखने को मिलते हैं, स्प्लिट स्क्रीन है, कलर AOD इसमें देखने को मिल जाता है, IP68 पे स्मार्ट वॉच आती है, 20mm का इसमें स्टाइलिश स्ट्रैप देखने को मिलता है मिलिट्री टाइप का, 30 सेकंड का स्क्रीन आउट टाइम है, DA फिट पे वॉच चलती है, हार्ट रेट की एक्यूरेसी काफी अच्छी है, कॉलिंग एक्सपीरियंस भी अच्छा देखने को मिलता है। ड्रॉबैक मुझे लगता है कि यार इसके अंदर जो है आप अलार्म नहीं लगा सकते, प्लस इसका डायल जो है थोड़ा सा वाइड है, तो सारी रिस्ट के लिए बहुत सुटेबल नहीं बनती, प्लस आपने इसकी रगने टेस्टिंग देखनी हो तो यार मेरे चैनल पे जाके देख लेना, मैं इसको बहुत उठा उठा के पैक करा स्मार्ट वॉच को, इसको कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद आती है नॉइस की कलर फिट प्रो 4 अल्फा, अगेन सेम डिस्प्ले, रिजोल्यूशन आपको याद हो ही गया होगा, 1.78 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। ये मैंने खरीदी थी यार कंपैरिजन वगैरह वीडियोस बनाने के लिए, लेकिन मैं कर नहीं पाया, किसी को लेनी हो ले लेना, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में भी मेरे पास स्मार्ट वॉच पड़ी हुई है, बिल वारंटी सब इसमें देखने को मिल जाएगा। इसमें भी आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, और 60Hz का मतलब समझ गए हल्का सा लैगी हुआ ही है, कोई स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं है, क्विक चार्ज का सपोर्ट दिया गया है, फंक्शनल क्राउन बटन भी है इसके अंदर, 30 मिनट्स का स्क्रीन आउट टाइम देखने को मिलता है, 100 स्पोर्ट्स मोड, 100 वॉच फेसेस, स्ट्रेस मॉनिटर है, टैप टू वेकअप है, मतलब स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन वेकअप हो जाएगी, क्विक रिप्लाइज दिया गया है, मोबाइल की रिंगटोन भी इसमें साइलेंट कर सकते हो, नॉइज जो है अपनी मतलब 2000 तक की घड़ियों में फीचर दे रहा है, जो कि काफी अच्छी चीज है। परफॉर्मेंस इस वॉच का काफी अच्छा है, बस एक ही दिक्कत है कि यार जो बॉडी है वही पॉलीकार्बोनेट ऑफर की गई है, मेटल बॉडी नहीं दी गई है,
वरना लेने के लिए आप देख रहे होंगे लुक्स डिजाइन इसका काफी जबरदस्त है स्मार्ट वॉच। उसके बाद आती है Amazfit की पहली लो बजट कॉलिंग स्मार्ट वॉच जिसका नाम है Amazfit Pop 2। तो इस स्मार्ट वॉच ने भी काफी धूम मचाई थी। इसके भी अंदर आपको सेम 1.78 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलता है। मेटल बॉडी यहाँ पे ऑफर की गई है, ग्लॉसी पेंट फिनिश के साथ में 100 स्पोर्ट्स मोड है, 150 वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं जो लगाने में काफी अच्छे लगते हैं, दो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के वॉच फेसेस हैं। रेजिस टू वेकअप का जो ऑप्शन है वो AOD के साथ भी काम करता है जो की काफी सारी वॉचेज में नहीं चलता। IP67 पे वॉच आती है, व्हाट्सएप की आंसर कॉल फैसिलिटी हमें देखने को मिल जाती है। इस वॉच का सबसे खास बात यह है की इसके अंदर व्हाट्सएप की आप कॉल को भी आंसर कर सकते हैं जो की किसी स्मार्ट वॉच में अभी तक देखने को नहीं मिला है। उसके अलावा 10 कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं। हार्ट रेट सेट काउंट की एक्यूरेसी है ही अच्छी क्योंकि Amazfit की तरफ से वॉच आती है। वॉइस असिस्टेंट दिया गया है, अलार्म लगा सकते हैं। वॉच के अंदर दो मेन्यू स्टाइल्स हैं, 20 मिनट का स्क्रीन आउट टाइम भी ऑफर करती है, स्क्रीन लॉक है पासवर्ड के साथ में, हिंदी UI का भी सपोर्ट है, पूरी की पूरी वॉच जो है हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है। साथ के साथ ट्रू इनएप GPS है, मतलब जो आप मोबाइल के अंदर GPS ऑन करेंगे उसके थ्रू इसमें भी जो है स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट हो जाएगा और रियल टाइम आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो ये Amazfit की तरफ से काफी जबरदस्त स्मार्ट हो जाती है लेने के लिए। उसके बाद मैंने रखा है Firebolt की विजनरी स्मार्ट वॉच को, तो ये काफी धूम मचा है स्मार्ट वॉच क्यों, क्योंकि इस प्राइस रेंज में जो फीचर ऑफर करती है कोई स्मार्ट वॉच ऑफर नहीं कर रही है। इसके अंदर आपको 1.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है सेम रिजोल्यूशन के साथ में, एप्पल टाइप का स्ट्रैप है इसमें जो 44mm का लगता है, फंक्शनल क्राउन बटन है, फ्लिप स्क्रीन का फीचर दिया गया है, IP67 पे वॉच आती है, BP कैलकुलेटर, फीमेल साइकिल ट्रैकर, दो मेन्यू स्टाइल्स इसमें देखने को मिलता है, 30 सेकंड का स्क्रीन आउट टाइम भी है, वॉइस असिस्टेंट इस वॉच में देखने को मिलता है। इसका जो बेस्ट सेलिंग पार्ट है कि इसके अंदर आप TWS कनेक्ट कर सकते हैं, 128MB स्टोरेज के साथ ही वॉच आती है, इसके अंदर जो आप सॉन्ग्स वगैरह भी सेव कर सकते हैं। दो AOD के वॉच फेसेस हैं। ड्रॉबैक ये है कि एक तो इसका स्ट्रैप काफी बड़ा लगता है मुझे, इसकी जो लेंथ है काफी बड़ी दी है, आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं। प्लस जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की जो विजिबिलिटी है काफी ज्यादा डल है, मतलब बाहर जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि AOD लगा के रखा हुआ है। तो ये थी कुछ वॉचेस 3 to 4K की रेंज में, 4K से 5K तक जाते हैं। तो इसके अंदर आ जाती है Realme की वॉच 3 प्रो जिसको टक्कर देना बड़ा ही मुश्किल है। जो इसका बेस्ट सेलिंग पार्ट है इस वॉच का वो ये कि बिल्ट इन GPS के साथ में आती है। इसके अंदर भी आपको सेम 1.78 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, इसमें थोड़ा सा इंप्रूव्ड है, मतलब इतना ज्यादा लैगी नहीं लगा मुझे। उसके अलावा 22mm का सॉफ्ट सिलिकॉन स्ट्रैप है डिजाइन के साथ में, 500 निट्स की ब्राइटनेस है, IP68 पे आती है लगभग ये वॉच, अलार्म लगा सकते हैं वॉच के अंदर ही, 100 स्टाइलिश वॉच फेसेस है और Realme के वॉच फेसेस काफी अच्छे होते हैं, दो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के वॉच फेसेस हैं, स्मार्ट मोड के साथ हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के वॉच फेस, मतलब जब भी आप वॉच को उतारोगे तो अपने आप AOD बंद हो जाएगा ताकि बैटरी से, जब वॉच पहनोगे तभी AOD काम करेगा। 110 स्पोर्ट्स मोड है, ऑटो वर्कआउट डिटेक्शन के साथ में, सबसे बड़ा की फीचर बिल्ट इन GPS आता है इसके अंदर, प्लस स्क्रीन आउट टाइम सिर्फ 15 सेकंड का ही दिया गया है, फेवरेट कॉन्टेक्ट स्क्रीन भी अच्छा है, 10 आप इसमें सेव कर सकते हैं, कस्टम गोल्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं और बड़े बड़े नोटिफिकेशन आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। ड्रॉबैक एक ये है कि इसके अंदर मेटल बॉडी नहीं दी है 5000 रुपए के प्राइस रेंज में भी। उसके बाद अगली वॉच को मैंने रखा है जो कि ब्लूटूथ कॉलिंग जिसमें नहीं है, लेकिन वॉच काफी अच्छी है आपके लेने के लिए अगर आप चाहें तो, Amazfit की तरफ से Amazfit GTS 2E। इसका प्राइस अभी चल रहा है 4000 रुपए कम होकर फ्लिपकार्ट में मिल जाती है, हमसे खरीदना है तो हम इसको और सस्ते में देते हैं, आपको पता ही होगा मैं ओपन बॉक्स की Amazfit की स्मार्ट वॉचेस सेल भी करता हूँ। इसके अंदर आपको 1.65 इंचेस का HD AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है मेटल बॉडी के साथ में, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के 30 वॉट फेस आप इसमें यूज कर सकते हैं, 70 वॉट फेसेस इनबिल्ट दिए गए हैं, और अगर आप नोटिफाई फॉर Amazfit की एप्लीकेशन यूज करते हैं तो वॉच फेसेस की संख्या और बढ़ जाती है। बिल्ट इन GPS का सपोर्ट है, ऑटो वर्कआउट डिटेक्शन है, 4-5 स्पोर्ट्स मोड का, ऑफलाइन वॉइस असिस्टेंट है, पूरी की पूरी वॉच को वॉइस कमांड से ऑपरेट भी कर सकते हैं, एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट भी दिया गया है, साथ के साथ 5 ATM पे स्मार्ट वॉच आती है। तो काफी धमाकेदार स्मार्ट वॉच है Amazfit की तरफ से, सारे फीचर्स मिल जाते हैं और Amazfit की स्मार्ट वॉच वही लोग पहनते हैं जो बिल्कुल फिटनेस के लिए सीरियस होते हैं, जिनको एक्यूरेसी काफी अच्छी चाहिए होती है। Amazfit ज्यादा तड़कते भड़कते फीचर तो ऑफर नहीं करते, लेकिन जो करता है वो कोई ब्रांड ऑफर नहीं करता। हेल्थ सेंसर भी इसमें जैसे बायो ट्रैकर PPG 2.0 देखने को मिलता है और अभी कंपनियां 1.0 तक भी नहीं पहुंच पाई है। तो ये थी कुछ स्मार्ट वॉचेस मेरी तरफ से जो मुझे लगता है आप लोगों को जरूर लेनी चाहिए अगर आपका बजट है तो। फिर भी आप कोई क्वेश्चन कॉमेंट सुझाव है इन वॉचेस रिलेटेड तो मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में नया रिव्यू नया कंपैरिजन लेके, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। बाय बाय।